हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। 5 अक्टूबर का दिन है और 8 अक्टूबर को गिनती है। शनिवार को वोट पड़े हैं और 8 तारीख मंगलवार को गिनती है। और आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है। जब मई में लोकसभा चुनाव हुए तो 25 मई को जब मतदान हुआ था उस दिन शनिवार था, और 4 जून को जब गिनती हुई थी लोकसभा चुनाव की तब मंगलवार था। आज फिर शनि और मंगल का योग बन रहा है। वोट डाल के अपना फर्ज पूरा किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, वोट डाल के मैंने अपना फर्ज पूरा किया। और हमारी हर बार कोशिश ये की जाती है कि हम लोग हर बार वोट डालें और जो भी हमारी पसंद की सरकार हो उसको बनाए। अभी आपको लगता है महिलाओं में भी जागरूकता आई है कि वोट, पहले महिलाएं कम डाला करती थी, महिलाओं में पिछले कुछ साल में जागरूकता आई है कि वोट अपना जरूर डालना चाहिए। महिलाएं पढ़ लिख भी गई हैं, उनको पता लग गया अब राजनीति क्या है। हरियाणा में भी एडवांसमेंट है महिलाओं के मामले में। हाँ, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि भी हाँ, महिलाओं को वोट का राइट दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं मेल और फीमेल्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। 1 पर्सन 1 वोट रखा है, जो अधिकार बराबर का दिया जाता है मेल पर्सनैलिटी के। तो मैंने भी अपना वोट दिया है, इक्विवेलेंट टू द मेल पर्सन। हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव हो रहा है, ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है। जैसी चीजें सामने आ रही है मीडिया के थ्रू भी, ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है, बाकी और दल भी हैं। युवाओं की बात बड़ी हो रही है, महिलाओं और युवाओं की बात। कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उसमें संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत सारे कुछ रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, वायदे किए जा रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी या कांग्रेस ये वायदे पूरे होंगे? वादे पूरे हो ना हो, बट आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए। आपको अपनी कंट्री के टूवर्ड्स जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो पूरा करना चाहिए एट दी एंड। इलेक्शंस के बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये जीत गई और हमारा फ़ायदा नहीं हुआ। तो जिसको आपको वोट देना है आप आइए यहाँ पे और वोट ज़रूर दीजिए। और फ्रीबीज हो या कुछ भी हो उसके बेसिस पे वोट मत दीजिए, मेहनत के बेसिस पे दीजिए। मेरे हिसाब से तो यही सही है। आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आप भी, आपने तो मेरे को लगता है चूंकि जितना मैं आपको जानता हूं तो हर बार मतदान किया होगा, अपना फर्ज निभाया है। जिसको आपने वोट दिया आपको लगता होगा ये डिजर्व करता है मेरी वोट को? अपनी तरफ से तो हम उसी को सोच समझ के वोट देते हैं जो हमें लगता है कि ये डिजर्विंग है, और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने नगर के लिए जो बेहतर कर सकता है, यही सोच के हर बार वोट दिया जाता है। इस बार भी वैसे ही सोचा है। जैसे हिंदू धर्म में दीपावली एक महापर्व है, ऐसे ही ये जो चुनाव में ये वोट देना एक पर्व है, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। आप बताओ, मेरे को लगता है कोई भी सरकार है काम तो सबने किया है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस सरकार है, इनेलो, जो भी सरकार है, देखो काम तो किया, तभी तो हरियाणा की तरक्की हुई है। किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, लेकिन अब महिलाओं को लेकर आप क्या कहते हैं? कोई भी सरकार बनेगी, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? यही है बस, सब उनकी सुरक्षा ही में ना सबसे ज्यादा। आप आ जाओ, आप भी सीनियर सिटीजन है, वोट डाला, अपना फर्ज निभाया। लेकिन ये जो झूठे वादे करते हैं इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? कहाँ है इनके पर जगह? 100-100 गज प्लाट देंगे, ये दे देंगे ये जगह? है कहीं हिंदुस्तान में कौन, किसी कोने में? क्यों बेवकूफ बनाते हैं लोग? कांग्रेस ने, मैं आपको ऐसे बता दूं जानकारी के लिए, कांग्रेस ने 7 लाख लोगों को लिस्टिंग की थी, 7 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट देने थे, 3,92,000 को दिए थे, कह रहे थे कि 3 लाख लगे सरकार चलेगी, अब फिर कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो देंगे। लेकिन खट्टर साहब ने कहा जी हम मुफ्त में किसी को कोई चीज नहीं देंगे, लेकिन जब उनको बदला गया, लगा कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो फिर बीजेपी ने भी कहा हम भी 100-100 गज के देंगे। जगह कहाँ है? अभी असंध के विधायक हैं गोगी, शमशेर सिंह गोगी, उसने क्या कहा है? अगर हमारी सरकार आए तो पहले अपना पेट भरेंगे, बाद में इनको देखेंगे, तो क्या खाक सरकार चलाएंगे? ये 10 साल का साहब इनसे मांग रहे हैं, अरे अपने भी तो 60 साल का। आज ये लोगों ने मतदान किया है, बहुत सारे महिलाएं, पुरुष, यंगस्टर्स हम देख रहे हैं, उन्होंने मतदान किया। लेकिन लोगों को ये शिकायत भी है कि सियासी पार्टियां चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान जो वायदे करते हैं वो पूरा नहीं करते, ये इनको शिकवा है। और कोई भी पार्टी अगर वायदे करती है तो उसको लीगल प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके जो झूठे वायदे करते हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत, ब्यूरो।